Shri Anil Gupta ji. Shri Jagdish Goyal ji. Shri Sanjeev Gupta ji. Shri Jai Krishan ji Bahadurgarh se. And Shri Subhash Goyal ji. Shri Vinod Gupta ji, aur aap is sare karyakram ki reed ki haddi sab aayojan ko din raat bhag daud karke kisi kshan bhi bina vishram kiye hum sab ke beech mein ghoomte rahe, sab ke beech mein bhag daud karte rahe, Krishna ashray. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswat Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasad Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Aaj Ahmedabad mein Srimad Bhagavatam ke ek shlok ki main katha kaha उसमें वो श्लोक है नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगैव सारभूत कुशलान्यास सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि जात महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया जान से नहीं मारा इसलिए कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है जितने भी पुण्य कर्म हैं धर्म के काम हैं वो केवल संकल्प करने से ही पूरे हो जाते हैं पूरा फल मिलता है मन से करने पर और पाप जब शरीर से किया जाता है रसपच करके तब उसका फल मिलता है तो उस श्लोक के अनुसार आप लोगों ने संकल्प किया भगवत कथा का आयोजन किया पंडाल बनाया अनेक प्रकार की क्रियाएं किए प्रसाद की तैयारी किए सब कुछ किए तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम कथा यज्ञ कराने का फल तो आपको मिल ही गया आपने तो इतना किया केवल मन में सोचे होते कि भागवत की कथा होनी चाहिए तो उससे भी भागवत कथा का फल मिल जाता है इस विषय में भागवत ही प्रमाण है कोई निराश होने की जरूरत नहीं है कि आज कथा नहीं हुई भगवान की यही इच्छा थी तो फिर समय मिलने पर कथा प्रारंभ की जाएगी कई भक्त मिले और पाए वो बहुत सुंदर सजाया गया था लेकिन प्रकृति ने सब बिगाड़ दिया कोई बिगड़ा हुआ दृश्य खराब नहीं लग रहा है यह संसार में स्वाभाविक है ये सब चीज बल्कि सजावट जो था वही बनावटी था यही ठीक है तो आप लोगों को भूरी भूरी धन्यवाद करने पर फिर भी हम लोगों के पास जीभ रहेगी कल कान भी रहेगा हाथ भी रहेगा तो हम लोग भगवान का भजन करेंगे हट तो सकते नहीं तो आप सब भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करता हूँ जिन्होंने इस यज्ञ को सफल करने में मन से शरीर से और धन से सब प्रकार से सहयोग किया है इसके साथ ही साथ इस प्राकृतिक असंगति के कारण भी जिनके पैर रुके नहीं कथा सुनने के लिए आप यहाँ आए
इसके लिए भी आप भगवान की कृपा के पात्र हैं और हमारे धन्यवाद के पात्र। मैं इतना ही कहने के लिए आज बैठा हूँ। हमको कृष्णाश्रय दास बुलाए कि महाराज कम से कम आइए और इतना आश्वासन दीजिए कि कल से कथा होगी। तो कथा चालू करने पर हवा रुके ही नहीं, अभी इसलिए मैं चालू नहीं कर रहा हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध के पांच अध्याय की कथा यहाँ कहने का संकल्प हुआ है, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की और अत्रि मुनि से सोम का जन्म हुआ, चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध है, बुध से पूर्णवा, पूर्णवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति, और जजाति के पुत्र हुए जदु महाराज। इन्हीं जदु महाराज की वंश परंपरा में श्री भगवान अवतार लिए। इसी को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रसंग चालू किए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें मैं सोचा था कि महाराज अम्बरीश की कथा इस सप्ताह में मुख्य रूप से पेश की जाएगी, जिसको सुन करके कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी यही फल बताए हैं कि इस कथा को जो सुनता है तो भक्तो भगवतो भवेत, वह भगवान का निश्चित भक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने कृपा की है अम्बरीश महाराज पर। इस कथा को कहा जाएगा कल से, आज यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि फिर भक्तों को प्रसाद भी लेना है, कई तरह के कार्य। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम सवये सगणाधिराज विघ्नान विहंत मलमस्य जगत्रयस्य गोविंद माधि पुरुषां तमहं भजामि। जय श्री राधा राधिका रमण जी। भक्तों की इच्छा है कि कुछ कथा होनी चाहिए, उनकी इच्छा का पालन करते हुए यहाँ चेष्टा की जाती है। महाराज परीक्षित मनवंतरों की कथा सुने आठवें स्कंध में। एक मनु एक हत्तर चतुर्युग तक राज करते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। महाराज परीक्षित मनवंतर की कथा सुन करके अब सातवें मनु इस समय जो सत्यव्रत महाराज हैं मनु, इनकी कथा विशेष रूप से सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस मनवंतर में भगवान वामन देव का अवतार हुआ, इसकी कथा बीत चुकी है आठवें स्कंध में। अरे भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इन्हीं को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश सबसे पहले किया, सबसे पहले सूर्य को दिया। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैं इस अविनाशी योग का उपदेश सर्वप्रथम विवस्वान को किया था, भगवान सूर्य को, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से इस ज्ञान को दिया, इसका प्रवचन किया। तो कौन मनु? इस सातवें मनु जो इस समय है, प्रथम मनु तो स्वयं भू मनु है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन ये विवस्वान के पुत्र है। इतना महत्व है, ये भगवान के शिष्यों की वंशावली है, विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि अर्पित। भगवान कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को, योग को धारण किया राजर्षियों ने, उसी ज्ञान का
आज मैं पुनः प्रवर्तन तुमसे कर रहा हूँ, तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ। मनवंतर की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, मनवंतराणी सर्वाणी प्रयुक्तानि श्रुतानि में हरे अनंत वीरजस्य बीर्जान अनंत वीरजस्य हरे तत्र कृतानि च। हे श्रील सुखदेव गोस्वामी, आपने मनवंतरों का वर्णन किया, त्वया उक्तानि मया श्रुतानि, आपने उनका वर्णन किया और हमने सुना। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान हरि के अद्भुत चरित्र का भी आपने वर्णन किया। जैसे स्वयंभू मनु के समय में भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया, उनका चरित्र कहा गया। और भी मनवंतरों में भगवान ने लीला किया। चौथे मनवंतर में श्री भगवान ने हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिए और उन्होंने अपने भक्त गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया। इसके बाद पांचवा मनवंतर और छठे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया। छठे मनवंतर में रायवतम तंत्रम सिंह, इस अवतार में भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया और अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किया, कच्छर धारण करके, और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मोहित करके। इसके साथ ही साथ भगवान ने धन्वंतरी जी के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम बोलने से भी बड़ा बड़ा रोग दूर हो जाता है। कोई दवा लेना हो तो श्री धन्वंतरी कह कर के लेना चाहिए, वो दवा निश्चित काम करती है। इस मनवंतर में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार और श्री धन्वंतरी अवतार। और सातवें मनवंतर में भगवान ने माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर बलि महाराज के यज्ञ में पधारे और उन्होंने बलि महाराज से तीन पद भूमि के बहाने सारा विश्व मांग लिया, भगवान वामन देव की लीला पूरी थी। इस तरह से हर एक मनवंतर में अनेक अद्भुत चरित्र किए हैं, उसी को परीक्षित महाराज कहते हैं बीर्जाणी अनंत वीरजस्य हरे तत्र कृतानि च। अपने मनवंतरों का वर्णन किया और प्रत्येक मनवंतर में भगवान हरि के अद्भुत वीर्य का, अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया। तो उसमें जो सातवें मनु हैं, यो सब सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविणेश्वर, जो सत्यव्रत महाराज हैं, इस समय के जो मनु हैं, ये दक्षिण भारत के राजा थे द्रविणेश्वर राजर्षि। ज्ञानम व्यतीत कल्प अंत लेभे पुरुष सेवया, अतीत कल्प में, बीते हुए कल्प में इन्होंने भगवान की सेवा की थी और भगवान से ज्ञान प्राप्त किए, मत से भगवान से, इसकी कथा भी हो चुकी है आठवें स्कंद के अंत में। तो ये मनु महाराज भगवान मत्स्य देव का दर्शन किए और भगवान से ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञानम व्यतीत कल्पे लेभे पुरुष सेवया, डायरेक्ट भगवान का शिष्य बने ये। भगवान मत्स्य देव कथा कहते थे, ज्ञान पर प्रवचन किए और मनु महाराज नौका पर बैठ करके सुन रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। भगवान मत्स्य देव के सिंह में नौका बंधी हुई थी बासुकी नाग के द्वारा, प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। वो अद्भुत दृश्य है कि सप्तर्षियों के साथ श्री मनु महाराज नौका पर बैठे थे और उस नौका को
भगवान मत्स्य देव के सिंह से बांधा गया था, वासुकी उसको खींच रहे थे, भगवान मत्स्य देव खींच रहे थे नौका। महाराज मनु अनेक प्रश्न किए हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, और श्री भगवान ने अपने भक्त को ज्ञान दिया है, प्रवचन किए हैं, ज्ञानम व्यतीत कल्प है, अतीत कल्प में जिन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। सवई विवस्वतः पुत्र मनु राशि द्विति सूतम, हमने सुना आपने कहा कि वे विवस्वान के पुत्र हैं, ये मनु महाराज सत्यव्रत महाराज विवस्वान के पुत्र हैं, और इस समय वही मनु हैं। मनु आसित इति श्रुतम, हमने सुना कि यही मनु हैं। आसित का अर्थ कभी कभी अस्थि भी होता है, आसित का अस्थि हैं, इस समय मनु हैं, हमने ऐसा सुना है। कितनी श्रवण की महिमा है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमने ऐसा सुना आपके मुख से भी और अन्यत्र भी सुना है कि यही सत्यव्रत महाराज इस समय मनु हैं। ततस्तस्य सुताश्चक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा, और आपके मुख से मैंने सुना ऐसे मनु महाराज के 10 पुत्र हुए जिनमें इक्ष्वाकु प्रधान है। इक्ष्वाकु निर्गसर जाति दृष्ट धृष्ट करुषकान और त्रिशब्द्रम नभगम चैव कवि, और एक और इस तरह से इनके 10 पुत्र। तो मनु महाराज के पुत्रों के विषय में आपने सुनाया, अब मैं सुनना चाहता हूँ तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तया स्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि न। मनु महाराज के जो 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु प्रधान, इनके वंश और वंश में उत्पन्न अन्य राजाओं का चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। इसके विषय में महाराज परीक्षित करे कीर्तया स्व महाभाग नित्यम शुश्रूषतां हि न। हे महान भाग्यवान, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, हम मनु महाराज के पुत्रों के वंशानुचरित को सुनना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि इन वंशों में श्री भगवान का अवतार हुआ है, मनु महाराज के ही वंश में भगवान का अवतार हुआ है। मनु महाराज के पुत्री हुई जिसका नाम था ईला, वो कथा आएगी। तो वशिष्ठ जी के कृपा से भगवान की आराधना करके मनु महाराज ने उस कन्या को कुमार के रूप में बदला, वो लड़का हो गया। हुई थी लड़की लेकिन लड़का हो गया। तो जब वो लड़की थी, लड़का था, और उसके बाद फिर इलावृत वर्ष में गया जहाँ जा करके फिर लड़की हो गया। तो वहीं वो घूम रही थी लड़की, तो बुद्ध जो सोम के पुत्र थे वे उस पर लुब्ध हो गया, और वो भी उनको अपना पति बनाना चाहिए। तो उसी के गर्भ से पुनर्वा महाराज का जन्म हुआ। यह वंश भी लिंक्ड है, एक साथ है, और उसी वंश में आगे चल करके भगवान स्वयं अवतार लेंगे, कृष्ण भगवान। और इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम जन्म लेंगे। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीलाओं को सुनने के लिए ही महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं मनु महाराज के वंश और वंशावली और वंश में जन्मे अन्य राजाओं का इतिहास सुनना चाहता हूँ। नित्यम शुश्रूषता भी न, हम नित्य सुनने के इच्छुक हैं। नित्य का अर्थ है कि आप इतनी कथा सुनाए, तो सुन करके हमारी सुनने की लालसा और बढ़ती जा रही है। न अस्माकम, बहुवचन में महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं
महानुभाव राजन सिंह गण आदि बैठे हैं, ये सभी ललायत हैं सुनने के लिए। नित्यम सुश्रूषता मिलन, हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए, और सुनने से हमारी रुचि कभी नहीं हट रही है, हमारी लालसा और बढ़ती जा रही है। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें सुनाइए। ये भूता ये भविष्यश्च, जो पहले हो चुके हैं और आगे होंगे, ये भूता ये भविष्यश्च भवन्ति अद्यतनश्च, जो हो गए हैं पहले, भविष्य में होंगे और इस समय हैं, इन सब के विषय में हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये भूता ये भविष्यश्च भवन्ति अद्यतनश्च, तेषां न पूर्ण कीर्तिनां सर्वे संबद्ध विक्रमान। मनु महाराज के वंश में जो हो चुके हैं, आगे होंगे और इस समय हैं, ऐसे पूर्ण कीर्ति राजाओं का इतिहास हम सुनना चाहते हैं। तेषां न पूर्ण कीर्ति नाम, मनु महाराज के वंश में उत्पन्न राजागण पूर्ण कीर्ति हैं, जिनकी कीर्ति परम पवित्रता विधायक है। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। यदि कोई व्यक्ति इन राजाओं के कथा को केवल सुने या बोले, यहाँ तक कि केवल उनका नाम भी बोला जाए, तब भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसे ऐसे पुण्य कीर्ति पुरुष इस वंश में जन्म लिए। अरे इसी वंश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, तो फिर कहना ही क्या। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसे पूर्ण कीर्ति राजाओं का जस आप सुनाइए, हम उसे सुनना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुध गोस्वामी बोले, जो सुध गोस्वामी महाराज परीक्षित के साथ सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी की कथा को, तो परीक्षित महाराज कैसे प्रश्न किए इसको सुध जी ने कहा, और अब सुखदेव गोस्वामी कैसे बोले इसको कहते हैं। एवं परीक्षिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादिनाम पृष्ठ प्रवाच भगवान शुक परम धर्मविद। सुध गोस्वामी नैमिषारण्य में कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने सदसी ब्रह्मवादिनाम वेद के अनुसार चलने वाले भगवान के भक्त ऋषियों की सभा में महाराज परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर, और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी परम धर्म वेता हैं, परम धर्मविद। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करना, और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? श्रवण और कीर्तन से, श्रवण और कीर्तन से प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी परम धर्म वेत्ता है। इसे समझ लेना चाहिए कि इन राजाओं के विषय में जो राजा परीक्षित का प्रश्न है, वह परम धर्म में पर्यवसित हो रहा है। इसीलिए परम धर्म वेत्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना चालू किए। यही है वास्तविक धर्म व्यक्ति का, कि इन भक्तों के चरित्र को सुना जाए। जिस वंश में महाराज अम्बरीश जैसे परम भक्त उत्पन्न हुए, वह क्यों नहीं सुनने लायक है? महाराज अम्बरीश की कथा सुनना यही परम फल है, और मनुष्य जीवन का सर्वोपरि धर्म यही है। सवई पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रधोक्षरे। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्यों का वही सबसे बड़ा धर्म है, जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण में अहैतुकी और निरंतर प्रेम उत्पन्न हो, अखंड प्रेम उत्पन्न। और श्री कृष्ण में अखंड प्रेम कैसे होगा, कैसे उनमें आसक्ति बढ़ती रहेगी, भक्ति होगी, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है श्रवण और कीर्तन करने से।
स्पष्ट कहा। इसीलिए सब मिला करके ये सिद्ध हुआ कि मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान के विषय में गाया जाए और सुना जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु इसको कहते हैं। श्रीमतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ये भद्राणी विधुन तेजता। इस जीवन में मनुष्य जो भी काम करेगा उनका फल है भगवान कृष्ण में प्रेम, लेकिन सारे कर्म तो प्रेम दे नहीं सकते हैं। कौन ऐसा कर्म है जो कृष्ण में प्रेम देगा? वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए निष्कर्ष यह हुआ कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना और श्रीमद् भागवतम सुनना तथा भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, यही मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य सिद्ध हुआ। अन्यथा परम धर्म वेता इन राजाओं की कथा क्यों कहेगा? सुखदेव गोस्वामी को परम धर्म वेता कहा गया है। सुख परम धर्मविद। महाराज परीक्षित के प्रश्नों से बहुत प्रसन्न थे। ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र आवे, उनकी गुणावली आवे। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए। श्री सुकवाच श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आप शत्रुओं को जीत चुके हैं। किसी भी मनुष्य के दो प्रकार के शत्रु हैं, बाहरी शत्रु हैं और कुछ भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु हो या न हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भीतरी शत्रु तो सबके रहते ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्ज, ये सब भीतरी शत्रु हैं जो जीव के विवेक धन को लूट लेते हैं, उसकी समझ को ठीक नहीं रहने देते हैं। किसी वस्तु की अत्यधिक लालसा होना इसको काम कहते हैं, और उस लालसा में कोई बाधा दे तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको क्रोध कहते हैं, और यदि काम सफल होता है तो लोभ का रूप धारण करता है। इस सांसारिक संपत्ति आदि के कारण जो अभिमान होता है इसको मद कहते हैं, और दूसरे के धन, दूसरे के उत्कर्ष आदि को देख करके जो जलन होता है उसको मत्सरता कहते हैं, मत्सर्य कहते हैं। ये सब जीव के शत्रु हैं, लेकिन महाराज परीक्षित इन शत्रुओं को जीत चुके हैं। वे बाहरी शत्रुओं को भी जीत चुके थे, यहाँ तक कि कलयुग का भी दमन किए और दिग्विजय किए। बाहरी कोई शत्रु उनका बचा नहीं था, और भीतर के शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कौन व्यक्ति इन शत्रुओं को जीत चुका है इसकी पहचान करनी हो तो तुरंत पता लग जाएगा। जो व्यक्ति भगवान की कथा में रचा पचा हो, उसको आनंद आने लगे भागवत पढ़ने में और सुनने में और भगवान का नाम बोलने में, गुण गाने में अगर रुचि हो गई, तो समझना चाहिए कि भीतर के शत्रु बिल्कुल परास्त। अन्यथा ये शत्रु यदि जीवित रहेंगे, बलवान रहेंगे, तो कभी भी कथा आदि में रुचि नहीं होने देंगे। यदि किसी की रुचि है तो इसका मतलब है कि उसके शत्रु नष्ट हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को परम तप कह रहे हैं। परम का अर्थ है शत्रु और तप का अर्थ है तपाने वाले, जो शत्रुओं को दग्ध करने वाले हैं, यह है परम तप। श्रूयताम मानवो वंश, हे महाराज अब सुनिए मनु महाराज के वंश का वर्णन जो आपने प्रश्न किया है। प्राचुर्येण परम तप, मैं प्राचुर्य से कह रहा हूँ, संक्षेप में कह रहा हूँ। संस्कृत में प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत अधिक, और प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत कम, दोनों अर्थ होता है स्थल भेद के अनुसार। तो मैं बहुत थोड़े में वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि
विस्तार से कोई भी व्यक्ति इसको कह नहीं सकेगा। न सक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतय रपि, सैकड़ों वर्षों तक लगातार प्रवचन किया जाए और प्रवचन करने वाले स्वयं भगवान शेषनाग भी करें और 1000 मुख से प्रवचन करें, फिर भी सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता, कोटि कोटि वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ मनु महाराज के वंश का वर्णन। पहले थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि भगवान से यह वंश चला, लेकिन फिर से उसको कह रहे हैं। परावरेणाम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः, स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यं न किञ्चन। परावरेशम भूतानाम, परावरेशम बड़े या छोटे जितने भी जीव हैं, बड़े से बड़े जैसे श्री ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव, श्री नारद जी, शनकादिक, इनको पर कहा जाता है, ये श्रेष्ठ हैं। और अवर, अवर में जैसे कीट पतंग, पशु पक्षी आदि, बीच में मनुष्य आदि सब हैं। जितने भी जीव हैं छोटे या बड़े, इनको परावरेशम भूतानाम कहा। छोटे या बड़े समस्त जीवों के आत्मा, आत्मा का कारण, जन्मदाता, यह पुरुष परः, जो परम पुरुष हैं, तो यह कहा जा रहा है कि जितने भी छोटे या बड़े जीव हैं सबके जन्मदाता श्री भगवान हैं, नारायण हैं, गर्भोदकशायी भगवान विष्णु हैं, सबके जन्मदाता। परावरेशम भूतानाम आत्मा यह पुरुष परः, स एव आसीत इदं विश्वं कल्पान्ते अन्यं किंचन। एक समय ऐसा था परीक्षित, केवल यही पुरुष थे और कुछ भी नहीं था इस विश्व, ये विश्व नहीं था। कल्पान्ते, कल्प के अंत में, प्रलय काल में, ये कुछ भी नहीं रह जाता, एक भी घर नहीं, ना ये मोटर गाड़ी, ना रोड, ना आदमी, कुछ भी नहीं, न कोई ऑफिस, न कुछ भी, सबका प्रलय हो जाता है, पर एक व्यक्ति रहता है, वो है पुरुष परः, परम पुरुष श्री विष्णु, वे रहते हैं। और अन्यत न किंचन, और अन्य कुछ भी नहीं, यह विश्व नहीं रहता है और अन्य कुछ भी नहीं रहता है, केवल श्री भगवान रहते हैं। तस्य नाभे रभुत पद्म, पद्म कोश हिरणमय, ऐसे परम पुरुष के नाभि कमल से, नाभि से एक पद्म का जन्म हुआ हिरणमय, वह कमल प्रकाशित हो रहा था, स्वर्ण जैसा था, वह कमल उत्पन्न हुआ। तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयं भूष चतुरानन, और हे महाराज परीक्षित, उस कमल पर चार मुखों वाले श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। सुने मनु महाराज के वंश का वर्णन। वंश के मूल हैं श्री भगवान, अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्व, मैं देवताओं का, महर्षियों का, सबका आदि। तो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के भी पिता श्री भगवान हैं। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर इस विश्व को बनाने वाले स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। यहाँ तक लाए तो श्री भगवान और श्री ब्रह्मा जी, इस तरह से वंश चला है। हम सबके भी वंश के प्रवर्तक श्री भगवान ही हैं, यह निर्विवाद है, क्योंकि परावरेणाम, परावरेशम भूतानाम सबके भी जन्मदाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना जानना चाहिए कि हमारे जन्मदाता कौन है, हमारे बाप के या और सब के, कई पीढ़ियों के और इस विश्व के भी। कहीं कोई पेड़ है, कहीं कोई पौधा है, गेहूं का पौधा है, वो सब भी वास्तव में भगवान से उत्पन्न हुआ है। एक एक व्यक्ति और जीवन में जो भी आवश्यक चीज़ है, सबके सप्लायर, सबको देने वाले श्री विष्णु हैं, श्री भगवान हैं।
तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले परम पुरुष श्री भगवान थे और उनके अलावा और कुछ नहीं था, उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मरीचिर मनुष्य यज्ञ तस्यापि कश्यप, और ब्रह्मा जी के ऐसे अनेक पुत्र हुए लेकिन मनु महाराज जिस वंश में उसको गिनाया जा रहा है, ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप जी का जन्म हुआ। कश्यप जी से माता अदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। तो श्री भगवान और फिर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप, ये चौथी परंपरा है। कश्यप, कश्यप जी की पत्नी माता अदिति हैं, ऐसे अनेक इनकी पत्नियां हुई कश्यप जी की, जिनमें एक अदिति है। इसी माता अदिति से भगवान वामन देव का जन्म हुआ। ये 12वें पुत्र हैं भगवान वामन देव, और पहला पुत्र हैं विवस्वान। तो मरीचि और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान अपनी संज्ञा नामक पत्नी से मनु महाराज को जन्म दिए, सत्य व्रत जिनका नाम है इस समय है सत्य व्रत। विवस्वान के पुत्र हुए मनु सत्यव्रत महाराज, और मनु के पुत्र होंगे इक्ष्वाकु आदि, आगे बात आएगी। मरीचि मनसस्तस्य यज्ञ तस्यापि कश्यप दाक्षायण्यं ततो दित्यां विवस्वान भवत् सुत। माता अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इसीलिए इसको दक्षायणी कहा गया है। यहाँ दक्षायणी से विवस्वान का जन्म हुआ कश्यप जी के द्वारा। ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञाया मास भारत, हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, विवस्वान से श्राद्ध देव का जन्म हुआ है। इनका नाम है सत्यव्रत, दो नाम है श्राद्ध देव और सत्यव्रत। और सत्यव्रत महाराज अपनी श्रद्धा नामक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्रद्धायां श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रांश, 10 पुत्रांश आत्मवान। ये सत्यव्रत महाराज आत्मवान है। आत्मवान का अर्थ होता है भगवत भक्त। आत्मा का अर्थ वास्तविक है भगवान, और वान मने वाला, जो भगवान वाला है अर्थात भगवान का परम भक्त जितेंद्रिय। 10 पुत्र उत्पन्न किया महाराज सत्यव्रत ने, मनु महाराज ने अपनी श्रद्धा नामक पत्नी के गर्भ से, लेकिन ये पूर्ण जितेंद्रिय रहे। काम वासना से प्रेरित होकर के इन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया। आत्मवान शब्द बता रहा, ये जितेंद्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, श्री विष्णु के भक्त हैं। उन्होंने 10 पुत्र पैदा किया, कौन कौन यहाँ फिर से गिना रहे हैं। इक्ष्वाकु नृगसर्याति दिष्ट धृष्ट करुषका नरिष्यन्तं कृषभ्रं च नभुगं च कविं विभु। समर्थ श्री सत्यव्रत महाराज 10 पुत्र उत्पन्न किए श्रद्धा से। इक्ष्वाकु, नृग, सरजाति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, कृषभ्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न। 10 पुत्र उत्पन्न करने से पहले महाराज मनु को एक और पुत्री हुई, उस कथा को यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अप्रजस्य मनोपूर्वम वशिष्ठो भगवान किला मित्रा वरुणयोर यष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। अप्रजस्य मनोपूर्वम, जब मनु महाराज को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था,
इन पुत्रों के पहले उनको जब कोई पुत्र व्रत नहीं था तो सत्यव्रत महाराज अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से निवेदन किए, तब वशिष्ठ जी ने मनु महाराज के पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में मित्र देवता और वरुण देवता की पूजा की गई। मित्र देवता और वरुण देवता दोनों भाई हैं, सहोदर, माता अदिति के ही पुत्र हैं दोनों। इनकी पूजा वशिष्ठ जी ने किया महाराज मनु को पुत्र देने के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होतारम समय आ जाता। जब ये बात निश्चित हो गई कि वशिष्ठ जी मित्र और वरुण देवता की पूजा कराएंगे, पूजा चालू भी हो गई, मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा आकर के जो हेड पुजारी थे उनसे धीरे से बात की, जो यज्ञ करा रहे थे, जो सबसे बड़े अर्धवायु कहा जाता है अदरवायु, उनके पास वे हेड थे, उनके पास आकर के श्रद्धा से बोली। तत्र श्रद्धा मनु पत्नी, देखिए कभी कभी इतना डिफरेंस हो जाता है। मनु महाराज भगवान के परम भक्त हैं, परंतु वे पुत्र चाहते थे, पर उनकी पत्नी पुत्री चाहती थी। उसने सोचा कि बाद में तो पुत्र हो ही जाएंगे, ये तो इतने समर्थ हैं, लेकिन हमको पहले एक बेटी चाहिए। माता श्रद्धा ने सोचा तो होतारम समय आ चुका। होतारम होता से जो हवन करते हैं, जो सबसे हेड, उनसे समय आ चुका। उसने प्रार्थना किया, मेरी इच्छा है कि मुझे पुत्री हो, ऐसा हवन कीजिए, ऐसा जजन कीजिए कि हमको पुत्री प्राप्त हो। द्रोहित तर्थम उपागमे, और पुत्री प्राप्ति के लिए वो गई हवन करने वाले हेड पुजारी के पास, और प्रणिपत्य पयोव्रता, वो दूध पूरे यज्ञ के समय में दूध पी करके व्रत कर रही थी, यही उसका नियम था। कोई आराधना करने के पहले शुद्ध होना जरूरी है, ये नहीं कि अंत संग जहाँ तहाँ समोसा क्या क्या खाते रहे और यज्ञ भी हो रहा है। ये दूध पी करके व्रत कर, पयो व्रत, इसका मतलब है कि दूध पीना ही जिसके आहार के रूप में निश्चित किया गया था वो है पयोव्रता, दूध पी करके भजन करना। जहाँ तहाँ किसी रेस्टोरेंट में और इधर उधर अंडसन खा लेना और बोतलों में बंद पेय पीना है, तो इससे सिद्धि नहीं मिलती है। तो पयोव्रता थी, दूध पीने का व्रत लेती। प्रणिपत्य, वो जा करके हेड पुजारी के पास प्रणाम करके और कही अपनी इच्छा को कि आप ऐसा जजन कीजिए कि हमें पुत्री प्राप्त हो। तो जो हेड पुजारी थे उन्होंने भेजा एक पुजारी को, हेड पुजारी के अधीन कई पुजारी थे यज्ञ कराने वाले, तो उनमें से एक को भेजा, कहा कि ऐसा संकल्प करो कि श्रद्धा को पुत्री प्राप्त हो, मनु महाराज को पुत्री प्राप्त। तो बड़े श्रद्धा से स्वीकार किए और समाहित चित्त एकाग्र चित्त होकर के और वशट का उच्चारण करते हुए उन्होंने हवन किया। होतुस्तव्य विचारण कन्याला नाम साभवत ताम विलोक के मनु प्रहनाथ हृष्ट मना को। हवन करने वाले के संकल्प की विषमता से जब वो हवन किए तो यज्ञ कुंड से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, कन्या उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, लड़का ना होकर के लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा। उन्हीं ब्राह्मण ने जिन्होंने हवन किया था उन्होंने कहा इला, इला इसका नाम,
इला लक्ष्मी जी का नाम है और पृथ्वी को भी इला कहते हैं। तो जब ये हल्ला हुआ यज्ञ मंडप में कि संतान हो गया तो फिर मनु महाराज आए देखने के लिए। देखे कि ये कुमार नहीं है, ये तो कुमारी है। वो प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न उतना नहीं हुए। यद्यपि बिल्कुल संतान नहीं था, इस कारण से प्रसन्नता हुई कि बच्ची हुई है, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे उत्तराधिकार के रूप में कोई पुत्र प्राप्त हो जो शासन करेगा, प्रजा का पालन करेगा। तो उससे ज्यादा प्रसन्न होते तो पूरा प्रसन्न नहीं हुए। फिर गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, दो श्लोक में बोलते हैं, भगवान किम इदम जातम कर्म वो ब्रह्म वेदिना वादिना। गुरुदेव आप सभी ब्राह्मण हैं और वेद के अनुसार आपका आचरण है, वेद बोलते भी हैं, वेद के अनुसार चलते भी हैं। तो संकल्प पुत्र प्राप्ति का किया गया, तो ये पुत्री कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, किम इदम जातम, ये क्या हुआ। कुतः संकल्प वैषम्यम, संकल्प में विषमता क्यों हुई। जब पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प आपने किया तो पुत्री कैसे हो गई। पहले मन के सोचने के अनुसार ही संतान उत्पन्न होता था। आज भी जो संतान उत्पन्न हो रहा है, बच्चे हो चाहे बच्ची हो, वास्तव में वो पिता के और माँ के मनोभाव के अनुसार ही जन्म लेते हैं। उनका मनोभाव ही पुत्र के रूप में जन्म दिया है। पर पहले तो प्रकट ही चेंज किया जा सकता था, संकल्प के अनुसार तुरंत चेंज हो जाता। मनु महाराज चाहते थे कि हमारी जो पुत्री है या पुत्र बन जाए। ये ध्यान रखिए कि आजकल के लोगों जैसे मनु महाराज नहीं थे, वो पुत्री नहीं चाहते थे, पुत्र चाहते थे। आजकल जैसे लोगों को सिखाना पड़ रहा है, स्त्री भ्रूण हत्या मत कीजिए, ये सिखाना पड़ रहा है। आज का आदमी तो राक्षस हो गया है, बच्चों को मार देना गर्भ में या बच्चियों को मार देना है। तो मानव का ये भाव नहीं है, मानवता नहीं है, दानवता है वास्तव में, बच्चों की हत्या करना गर्भ में। एक दृष्टि से विचार करें तो कितना समता से युक्त संसार था। महाराज चाहते थे पुत्र और उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ जी ने भी यही संकल्प किया होगा, लेकिन वशिष्ठ जी को भी इस बात का पता नहीं था और श्रद्धा ने हेड पुजारी से कह दिया कि मुझे पुत्री प्राप्त होना चाहिए, इसलिए आप संकल्प कीजिएगा पुत्री प्राप्ति का। तो उन्होंने संकल्प किया और पुत्री प्राप्त हो गई। तब इस पर मनु महाराज वशिष्ठ जी से कहे कि ये क्या हुआ, ऐसे संकल्प की विषमता क्या हुई, जैसे देवता कोई झूठ बोल दे ऐसे ही घटना हो गई। देव समाज में देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं। झूठ बोलना मनुष्यों का काम है, बिना झूठ बोले चल ही नहीं सकता है मनुष्यों का काम। देख रहे हैं चारों तरफ, एक बार लिखा गया है वेद में कि ब्रह्मा जी या भगवान देवताओं को बनाए सत्य बोलने के लिए और मनुष्यों को उत्पन्न किए झूठ बोलने के लिए। यदि कोई टोटल सत्य बोलने वाला आदमी हो तो आश्चर्य हो जाए, खोजने पर भी मिलना कठिन है जो कभी झूठ ना बोला। लेकिन देवताओं में 100% ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोले। सत्य बोलना यह देवत्व है। आज के युग में तो बात की बात में आदमी झूठ बोल देता है, झूठ बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं, संकोच नहीं, कुछ नहीं। और ये जीवन का स्टाइल ही बना लिया गया है।
चलेगा ही नहीं, बिना झूठ बोले चलेगा ही नहीं। चलेगा तो चलने का मतलब क्या है? चलेगा ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पाप पयो निधि जनमन मीना, ये पाप समुद्र के समान है और पाप बिल्कुल मीठा जल से युक्त समुद्र, और उसमें मनुष्य का जीवन कलयुग में जो मन है वो मछली की तरह आनंद लेता है पाप करने में। पाप पयो निधि जनमन मीना मनुष्य। तो इस प्रकार ये अभी एक समता है, कितनी लालसा है, माँ को लालसा है कि हमें बेटी प्राप्त हो, और उसने अपने पति से परामर्श भी नहीं किया, अपने गुरु से हेड पुजारी से जाकर कह दिया कि हमको बेटी चाहिए और हो गया। तो मनु महाराज जो ये कह रहे हैं कि ये हुआ कैसे, ये तो ऐसे आश्चर्य की बात है जैसे देवता में कोई झूठ बोल दिया, इतना आश्चर्य की बात। देवेशु अनृतम युवा, देवताओं में असत्य जैसी घटना हो गई। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, तो कहते हैं यूयम मंत्र विदो युक्ता तपसा दग्ध क्यों विषा। अगर देखा जाए यज्ञ कराने में हवन करने वाले ऋत्वी पुरोहित आदि, तो आप लोग एक नंबर के सर्वश्रेष्ठ होता है। यूयम आप सभी मंत्र विद, वेद मंत्रों को ठीक से जानने वाले हैं। यूयम मंत्र विद और युक्ता, युक्ता का अर्थ है कि आप अपने धर्म में वेदाध्ययन में मंत्र जप आदि में लगे रहते हैं, पवित्र तपसा दग्ध किल विषा, और आप सभी तपस्या के द्वारा सब प्रकार के किलबिष पाप को दग्ध कर चुके हैं, आप लोगों से कोई पाप नहीं हुआ, परम पवित्र है। कुतः संकल्प वैसे में, तो संकल्प विषमता कैसे हो गई, जैसे देवताओं में कोई झूठ बोल दे। इस तरह से ब्रह्म विक्रिया नहीं होनी चाहिए, वेद का ऐसा उल्टा फल नहीं होना चाहिए। आप कुछ उपाय कीजिए। तम निशम्य बचस तस्य भगवान प्रपितामह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे प्रपितामह वशिष्ठ जी मनु महाराज की ये बात सुन करके और सोचने लगे, और उन्होंने कहा, वो समझ गए कि ये जो हेड पुजारी थे और उन्होंने जिस पुजारी को भेजा ब्राह्मण को, तो उसने उल्टा संकल्प किया है, वो समझ गए। बिना संकल्प के ऐसी पुत्री हो ही नहीं सकती थी, उसने संकल्प किया होगा पुत्री का। तो वो पूछे, तुम सही सही बताओ ये आखिर बेटी कैसे हो गई, तो पुत्र बेटा उत्पन्न करने के लिए मंत्र पढ़ा गया, तुम्हारा संकल्प था, तुम ये कैसे बेटी हो गई। तो उसने कहा वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, रानी ने श्रद्धा ने आकर के हमसे कहा कि हमको बेटी चाहिए, इसलिए मैंने वेद मंत्र का ऐसा उच्चारण किया कि उसका फल बेटी होना चाहिए। तब वशिष्ठ जी आश्वस्त हुए कि अच्छा अच्छा ये बात है। फिर कहते हैं एतत् संकल्प वैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, जो आपका होता है, होता माने हवन करने वाला था, उसके संकल्प विषमता से यह विषम फल हुआ है, इसने दूसरा संकल्प किया है। उसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों संकल्प किया, तो उसने कहा कि महाराज, रानी ने हमको आज्ञा दिया कि ऐसा मंत्र पढ़िए, ऐसा जजन कीजिए कि बेटी प्राप्त। तो फिर वशिष्ठ जी कहते तथापि साधिष्ये ते सुप्रजास्तम स्वतेज से, फिर भी मैं अपने तेज से, अपने ब्रह्म विद्या के बल से मैं आपके इस संतान को सुप्रजा बना दूंगा, मतलब मैं इसको पुत्र के रूप में बना दूंगा, ठीक, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर के भगवान वशिष्ठ देव भगवान विष्णु का यजन किए,
एक छोटा सा यज्ञ किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान ने वर दिया वशिष्ठ जी को कि ठीक है, यह इला पुरुष हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद देते हैं, जो डीटी थे घर में उन्हीं की पूजा की गई। तो डीटी ने, देवता ने मूर्ति में डायरेक्ट कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, ये इला आपका पुत्र हो जाएगी, पुरुष हो जाएगी। तो भगवान के ऐसा कहते ही इला तुरंत राजकुमार हो गए। देखिए वेद का प्रभाव और ऋषियों का प्रभाव, भगवान की शक्ति, तुरंत वो इला पुरुष हो गए। तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरि स्वरम दद इला अभवत तेन सुदिन पुरुषर स्वरम। स एकदा महाराजा विचरण मृगयाम बने। अब एक और विचित्र बात सुनिए, ये तो लड़की उत्पन्न हुई थी उसको लड़का बनाया गया। तो एक दिन वो लड़का जिसका नाम था सुद्युम्न, इला से जब पुरुष हुआ तो उसका नाम हुआ सुद्युम्न। तो वह अपने कुछ मंत्रियों के साथ, अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर चढ़कर उत्तर दिशा की तरफ गया मृगया के लिए, वन में भ्रमण के लिए। तो चलते चलते चला गया इलावृत वर्ष में। तस्मिन प्रविष्ट एवं असौ सुदुम्न, उस सीमा में प्रवेश करते ही वो सुदुम्न फिर लड़की हो गया। केवल सीमा में प्रवेश करते ही, और कुछ किए नहीं बेचारे, सब जितने भी लोग थे सब स्त्री हो गए। प्रवेश करते सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मिन प्रविष्ट एवं असौ सुदुम्न, केवल प्रवेश भर किए और प्रवेश करते ही सब स्त्री हो गए। उसने देखा अपने को, सुदुम्न देखा तो वो बिल्कुल लड़की हो गया था। अब इसके बाद वो सैनिकों को देखा तो महिला पुलिस हो ही गए, जितने थे सब चेंज हो गए तुरंत। और एक दूसरे को देखने लगे, विक्षमाणा परस्पर। तदा तदनुग्रह सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवन विक्षमाणा परस्पर। बड़े विस्मित हुए अपने अपने को पहले देख करके, फिर दूसरे को देखने लगे विक्षमाणा परस्परम। तो देखे वो भी स्त्री हो गया, वो भी स्त्री हो गया, वो भी स्त्री। स्त्री के अलावा कोई पुरुष था ही नहीं वहां, घोड़े सब घोड़ी हो गए। वो बेचारे वो लड़के सब पुरुष बहुत चिंता में पड़े, विमनसो भवन, क्योंकि अब यहाँ पर विचार किया जा सकता है कि भाई पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हीन इतना अधम है कि वे सब उदास हो गए, ये सब खिन्न हो गए, हाय ये क्या कंडम शरीर मिल गया। इन्फीरियर शरीर है वास्तव में स्त्री का, पुरुष का शरीर होना अच्छा है। उसमें भगवान को समझने की ज्यादा योग्यता रहती है। या और भी मान लीजिए वो लोग पुरुष थे, वो राजकुमार आगे चलकर राजा बनता और सब मंत्री लोग उसके मंत्री थे ही, लेकिन अब स्त्री हो गया तो बड़ा उसे खेद हुआ, तो मैं किसी काम का नहीं रहा, वो सोचने लगा बेकार शरीर मिल गया। एक दूसरे को देखने लगे, बड़ा खिन्न हुए, अब क्या किया जाए। उसी समय हाँ, तो महाराज परीक्षित प्रश्न की इस घटना को सुनकर, अरे उस देश में उस स्थान में कौन सी विशेषता थी कि उसमें प्रवेश करते ही वो स्त्री हो गया, उस स्थान के बारे में क्या गुण था, क्या बात थी, क्यों उस स्थान में प्रवेश करते हैं वो व्यक्ति स्त्री हो। कोई आजकल ऐसा कोई स्थान देखते हैं कि कोई
किसी जगह किसी टाउन में या किसी सभा में किसी रूम में जाते ही स्त्री हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मेकअप करके कपड़ा बदल करके भले नकली स्त्री हो जाए लेकिन वास्तव में कोई नहीं हो सकता है। आज भारत में है और अमेरिका गया तो एयरपोर्ट पर उतरते ही सब स्त्री हो जाए, ऐसा तो बहुत भारी आश्चर्य की बात हो गई। जो पुरुष है तो है पूरा जीवन भर पुरुष ही रहता है लेकिन बीच में ऐसा चेंज होना केवल स्थान बदलने से तो एक बहुत भारी आश्चर्य की बात है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि क्या बात थी, किसने उस स्थान को ऐसा किया था कि वहाँ कोई भी प्रवेश करे तो स्त्री हो जाए, कृपया हमारी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री सुकवाच एकदा गिरीशम दृष्टुम ऋषयस्तत्र सुब्रता दिशो वित्तिमिरा भाषा कुर्वन्त समुपागमन। एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कुछ ऋषि लोग जो सुब्रत थे, सुब्रत का थे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले ब्रह्मचारी, हो सकता है संकादिक ऋषि लोग होंगे थे कोई जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषि लोग भगवान शिव के पास गए, जा रहे थे कि कथा सुनेंगे सत्संग करेंगे। भगवान शिव से बड़ा सत्संगी कोई नहीं है, कोई काम धंधा जॉब कुछ नहीं उनका, केवल भगवान की कथा कहना कीर्तन करना जप करना बस यही काम। तो ऋषि लोग गए बड़े आनंद से कि हम भगवान शिव के साथ सत्संग करेंगे और ऋषि कितने तेजस्वी थे, दिशो भी तिमिरा भाषा अपने प्रकाश से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे, जगमग कर रहे थे, परम ऋषि सब थे ब्रह्मचर्य पालन में दृढ़ व्रत। तो भगवान शिव के का दर्शन करने उनका सत्संग करने सब गए, उन ऋषियों को देख करके माता पार्वती जी झटपट वस्त्र पहन ली। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के साथ वो नग्न थी, ये ईश्वर की लीला है। सामान्य मनुष्यों को इसको अन्यथा भाव से नहीं लेना चाहिए, अरे भगवान शिव के साथ पार्वती जी नग्न रहती हैं और ये दोनों रमण करते हैं कैसा, वह स्थिति दूसरी है। जैसे जमीन पर कारें चल रही हैं बस चल रही हैं इनका नियम दूसरा है, आकाश में वायुयान जाता है उसका नियम दूसरा है, वो कितना सिग्नल लांघता हुआ जाता है, कितना लाल सिग्नल हो कुछ भी हो पृथ्वी पर वहाँ उसको लांघेगा जाएगा, ये उसके लिए दोष नहीं है। और ये नहीं कि अब पृथ्वी पर लाल सिग्नल दे करके वो रुके और वहीं गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, उसका अधिकार दूसरा है। भगवान शिव ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्यों का नियम उन पर लागू नहीं है, अतः उनमें दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए अन्यथा अधःपात हो जाएगा। भगवान शिव पार्वती जी के साथ इलावृत वर्ष में रहते हैं जहाँ केवल पुरुष शिव जी हैं, बाकी सारी स्त्रियां हैं, वहाँ पर पंचम स्कंध में वर्णन मिलता है। कब से व्यवस्था दी गई, जब ऋषि लोग जा रहे थे भगवान शिव का सत्संग करने पहुंचे पहले से उन्हों को कोई नो एडमिशन अभी लिखा हुआ था नहीं, वो लोग चले गए जाते ही रहते हैं जहाँ तहाँ, और भी शिव जी के पास जाने में कोई रुकावट नहीं थी। तो माता पार्वती जी ने अंबिका ने देखा ऋषियों को तो झटपट वस्त्र पहन ली, बड़े लज्जा में पड़ी क्योंकि उस समय भगवान शिव उनका चुंबन आलिंगन वगैरह कर रहे थे, वो ईश्वर की लीला है। इनको जब देखा ऋषियों, ऋषियों की दृष्टि पड़ गई दोनों को, रत्यावेश में देखा उन लोगों ने, देखा तो तुरंत दृष्टि नीचे कर लिए, ऋषियों की दृष्टि करने से पहले ही पार्वती जी ने देख लिया तो अपने पति के गोद से उठ करके अपना वस्त्र पहन ली। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि ऋषि लोग अब फिर उधर आगे गए ही नहीं, अब वहीं से उनका पैर पीछे चला और वे अब
कैलाश न जा करके बद्रिकाश्रम गए भगवान का दर्शन करने। उनके मन में थोड़ी सी दुर्भावना हुई कि हम गलत स्थान पर आ गए, तो जाए अब भगवान का दर्शन करेंगे तो मन पवित्र होगा। नर नारायण भगवान जो तपस्या में रहते हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, उनके पास चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे। माता पार्वती को इस बात से बड़ा दुख लगा कि साधु महात्मा हमारे घर आ रहे थे और वे नहीं आए, चले गए। भगवान शिव से अफसोस करने लगे कि साधु लोग नहीं आए और चले गए। तब भगवान शिव ने व्यवस्था दिया पार्वती जी के लिए कि अब इस इलावृत वर्ष में कोई भी व्यक्ति पैर रखते ही स्त्री हो जाएगा। उन्होंने ये वरदान दिया, इस सीमा में तो स्त्री हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि स्त्री से स्त्री को लज्जा नहीं लगती है। तो भगवान शिव का वचन था, जो ईश्वर है उसके कहने से ही सब कुछ हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। बेचारा वो लड़का नहीं जानता था सुदूर में उस देश का प्रभाव, उसके सीमा में जाते हुए स्त्री हो जाएगा। तो स्त्री हो गए ये सब लोग और इधर उधर घूमने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषि लोग दोनों के शिव पार्वती के रमण को देख करके निवृत्ता वहाँ से लौट गए और नर नारायण आश्रम चले गए। तब से भगवान शिव ने व्यवस्था दिया अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए कि स्थानम यह प्रवेश एतत् सवै जोषित भवेदिति, कोई भी व्यक्ति जो इस सीमा में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तथा ऊर्ध्वम वनम तबले पुरुष वर्धयन्ति, उसी समय से जितने भी पुरुष हैं वो सब उस क्षेत्र को तिलांजलि देते, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, जो जाते ही स्त्री हो जाए। किसी को अगर स्त्री बनने की लालसा हो तो उधर चले जाना चाहिए, लेकिन पुरुष जो वास्तव में मर्द होगा वो सब वर्जयन्ति, वो उधर नहीं जाते, तो कौन स्त्री बनने जाए। तथा ऊर्ध्वम वनम तद्वे पुरुषा वर्जयन्ति, उसी समय की घटना है। वह इला सुदुम्न से फिर इला बन गई और अपने सखियों के साथ घूम रही थी। अब उसकी सखी कौन, वही सब मंत्री आदि थे, सब सखी हो गए, उनके साथ घूम रहे थे। उधर हिमालय में बुद्ध भगवान, बुद्ध मतलब जो ग्रह के अधिपति हैं, ये बुद्ध है, ऐसे मंगल बुद्ध है, तो बुद्ध नामक ग्रह के जो स्वामी हैं वे विवाह से पहले तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आश्रम बनाया था, वहाँ तप कर रहे थे। तो अपने आश्रम के समीप ही उन्होंने परम सुंदरी इला को देखा। जब विवाह के योग्य हो गई थी तो बुद्ध ने इच्छा किया कि यह मेरी पत्नी हो जाए, और इला ने भी जब राज राजेश्वर सोमराज के पुत्र बुद्ध को देखा तो उसकी भी इच्छा हो गई कि हमारे पति बने। तो उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया और गर्भाधान किया बुद्ध ने इला ने, तो इला से पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ आयल। इला का पुत्र होने से उसको आयल कहा गया। और पुरुरवा उनका जस बहुत बड़ा हुआ था, तो इस प्रकार बुद्ध से पुरुरवा का जन्म हुआ। देखिए ये सुदुम ने वास्तव विवस्वान के वंश में उत्पन्न हुआ है विवस्वान के वंश में, लेकिन जब वो लड़की था तो चंद्र वंश की वंशावली में भी उसकी भूमिका हुई थी। बुद्ध से पुरुरवा उत्पन्न हुए, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति, इस तरह की परंपरा चली। इसके बाद सुदुम ने जो लड़की बन गया था फिर आया अपने नगर में और अपने सैनिकों के साथ जो उसकी सखियां बन गई थी, सबसे पहले सुदुम ने अपने गुरु महाराज की याद किया वशिष्ठ जी की, कि इनकी शक्ति होगी तो फिर हमको पुरुष बना देंगे।
पहले लड़की हुआ था तो लड़की से मैंने लड़का बना दिया और धैलावृत वर्ष में गए तो शिव जी ने फिर लड़की बना दी। तो फिर याद किया कि हम अपने गुरु महाराज की शरण लेंगे वशिष्ठ जी की तो हमको फिर पुरुष बनाएंगे। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर की पूजा किया वशिष्ठ जी ने। भाई शंकर जी ने लड़की बनाया था तो अब उनकी उनकी स्तुति किए। भगवान से प्रकट हो गए और कहे कि देखो मैंने वशिष्ठ जी से कहे कि मैंने वचन दिया है कि इस सीमा में जो आएगा स्त्री हो जाएगा और तुम मेरी पूजा किए हो तो ये भी मिथ्या ये भी असत्य नहीं होना चाहिए तो मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि उस वचन की रक्षा के लिए और वेद आपके वेद के द्वारा आराधना की बात को सत्य करने के लिए ये एक महीना स्त्री रहेगी और एक महीना पुरुष। क्या करें दोनों तरह के वचन भगवान शिव कहते हैं तो मासम स्त्री स्वभविता मासम तुमान एक महीना पुरुष रहेगा और एक महीना स्त्री। तो सुदुम ने एक महीना जब पुरुष रहता था तब तो कचहरी में राज दरबार में बैठता था और जब ये महीना पूरा हो जाता था वो ठीक एक तारीख को ही बदल जाता होगा तय मतलब तो भारतीय गणना के अनुसार अंग्रेजों के गणना के अनुसार में जिस दिन स्त्री होना होता था उस दिन बेचारा वो तो साड़ी पहन कर अब अंतःपुर में रहता था और एक महीने के बाद फिर पुरुष। जनता ने पसंद नहीं किया राज्य की जनता जो थी सबको पता लग गया कि अगर अरे एक महीना ये स्त्री रहता है बेकार ये राजा किस काम का तो वो लोग खुश नहीं थे। अंत में उस सुदुम ने अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन में चला गया। ऐसा कहते हैं कि सुदुम ने चूंकि स्त्री के रूप में था तो उसने एक बच्चा पैदा किया था तो पुरुरवा महाराज थे तो पुरुरवा महाराज को राज्य दे करके वन में चला गया। प्रतिष्ठान पुरापति झूसी के राजा थे पुरुरवा महाराज प्रयागराज में झूसी है वहाँ। इस प्रकार ये वंश परंपरा है। ऐसे सुदुम्न को तीन पुत्र प्राप्त हुए थे उत्कल गाय और विमल ये सब दक्षिण के राजा थे। वो कुछ काल बीतने पर सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे करके वन में चला गया भगवान की आराधना करने के। इस प्रकार से एक कथा है तो इस कथा का मैं यहीं विश्राम देता हूँ। एक अध्याय की कथा भी पूरी हो गई। भगवान की कृपा से शांति रही। ऐसे तो ये विद्रुप हो ही गया है पंडाल लेकिन उससे कोई अंतर नहीं हुआ। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन करने वालों को और सुनने वालों को। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।